हाँ ये ऐसे आगे 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 सिद्धू है ना भाई जी, कौन सा वाला? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो जिस चीज का हमें इंतजार था वो आ चुकी है, धूप। और यहाँ हमने अपने कपड़े सुखा दिए हैं और जूते वगैरह, और इस ग्लव्स को भी सुखा देते हैं भाई। तो सब चीज़ अपनी बढ़िया से सूख जाएगी। और आज देखो यहाँ का मौसम, क्या शानदार नज़ारे दिख रहे भाई आज तो। और इसी के साथ अब हम जा रहे हैं यहाँ से सोलंग वैली की तरफ, और बर्फ़बारी के असली मज़े उधर हम करेंगे। और ये भाई भी अपने जूते वगैरह सुखाने में, तो देखो। तो फटाफट से करते हैं नाश्ता और उसके बाद बढ़ते हैं सोलंग वैली की तरफ। तो गाइज ये है अपने लाडो और बगीरा, बर्फ़ हमने साफ़ कर लिए यहाँ की, और ये थोड़ी सी है सीट में, इसको बाद में कर लेंगे। और गाड़ी तो स्टार्ट हो ही जाएगी, अभी तक इसके जो ये बटन ये भी जम रहे थे, दब नहीं रहे थे, बट अब दबने लग गए हैं। और बगीरा थोड़ा सेल्फ लेने में दिक्कत कर रही है, अभी बैटरी शायद डाउन हो गई है या बहुत ठंड है, पूरा चिपक गया है करते। चलो लाडू भी स्टार्ट हो ही जाएगी, तो पहले करते हैं नाश्ता, फिर देखते हैं क्या है। तो गाइस रोड पर ब्लैक आइस भी बनी हुई है, वाइट के साथ ब्लैक, और कैसा फिसल रहा पैर, फिसल रहा ना, आराम आराम से चलना पड़ेगा इस रोड में। तो भाई दुकान में घुसने के लिए भी इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी कि ब्लैक आइस बस चल रही है। और ये रहा संगीता ढाबा, जहाँ कल हमने खाना खाया था, बहुत टेस्टी था, इसलिए आज हम फिर से आ गए इधर। और बहुत तो जल्दी से करते हैं नाश्ता। तो भाई जी आ गया अपना बड़ा सा पराठा विथ बटर, आलू प्याज का पराठा, और कॉफ़ी भी आ रही है, इसको खाते हैं और प्रोग्राम करते हैं सोलंग वैली का। आंटी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत टेस्टी खाना खिलाया आपने, दोबारा आएंगे। तो ये है संगीता ढाबा, गाड़ी ऐसे स्लिप कर रही है। तो आगे हनुमान जी का मंदिर भी दिख रहा है, जय बजरंगबली। पूरा रास्ता हम कवर कर ले बाइक से ही, तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। प्राचीन श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, और ये खड़े खड़े पहाड़। तो गाइस सोलंग वैली 7 किलोमीटर और अटल टनल 19 किलोमीटर ले है 423। और देखने की बात यह है, क्या हम सोलंग वैली तक पहुंच सकते हैं या रास्ता बंद है स्नोफॉल के चक्कर में, देखते हैं क्या होता है। भाई जी चलो मोड़ लो, तो गाइस यहाँ से आगे बाइक अलाउड नहीं है, बहुत बुरी बात। तो गाइस बाइक हमने यही पार्क कर दिया और थोड़ा सा आगे को जाते हैं, इधर बहरे शायद ग्रास में भी आगे को जाता देखते हैं जैसा, जहाँ तो बहुत फीचर थे। तो भाई करने वाला आइसक्रीम, ये देखो Thank you.
कोई नहीं कोई नहीं भैया, चना चाट है बिल्कुल। आजा आजा गोली आना आगे को चल भाई, जरा साइड में। हां थोड़ा स्लो पे जाना वहां। चल चल रेडी क्या होती चल। हां जा रहे हैं ये ऐसे आगे 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 आगे। तो गाइस अपने को अच्छी खासी वाट लगी, काफी बार गिर गया लेकिन फुल मजा आ गया, एकदम फुल मजा, पैसा वसूल। और अब सोंटी भाई की बारी है। तो लो जी आगे करोगे ब्रेक और पीछे से थोड़ा पुश करने के लिए, तो अब देखते हैं कितने बार गिरता है ये। थोड़ा साइड 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 आपको भी लेके जाएगा ये। वेट आगे का है सुनम। चल एक बार फिर से गिरने के लिए तैयार अपना सोंटी भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गया 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 सीधे गई भैंस पानी में। पुश मत करने बैलेंस खराब हो जाता है। पुश करके गया 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 गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में। गई 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 भैंस पानी में। फुल मजा गिर गया 1% भी। बैठ जा पूरा ही बैठ जा मेरी तरह से। मैं अरे गजब मजा आ गया अब तो। ये ब्रेक मारना बस। बस 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 इधर को काट इधर को काट गड्डी को। तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो अब पीना पड़ेगा हमें कोक। अभी एकदम चिल्ड वाला इसको दबा देते हैं और एक मिनट के बाद पियेंगे। और सोंटी भाई का भी हो गया स्टिंग, उसकी भी अच्छी खासी वाट लग गई पर मज़े ज़रूर आए। और अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमने जाना पतली कुल की तरफ। आज आज का इस नाइट स्टे हमारा पतली कुल होगा अपनी फ्रेंड निर्मला के घर पे। जब मैं जा रहा हूँ तब खा रहे साले। ये ले नखरे कर दिया। जल्दी कर बढ़िया जगह बढ़िया से आगे आओ। अब खाली खाली हो गया। खाली कूड़ा हम उठाएंगे कूड़ेदान में। चल भाई तो चलो जी अब चलते हैं यहाँ से। काफ़ी थकान हो गई अब तो चलो जी गाइस निकलते हैं यहाँ से और जल्दी से रूम में जाके करते हैं सामान पैक और निकलते हैं पतली कूल की तरफ। चलो भाई तो चलो गाइस भांग से निकलते हैं होटल श्री गणेश। जरूर खाना पड़ेगा एक बार क्योंकि सोच के रखा था मनाली जब आएंगे तो सिड्डू जरूर खाएंगे। लोकल यहाँ की डिश है सिड्डू तो वो ट्राई के बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं, इसलिए अभी गाड़ी करते पार्क कहीं कोने पे और उसके बाद जाएंगे मॉल रोड पर। और सोलंग वैली
चलो इस बार जाने का नहीं हुआ, 6 किलोमीटर था और आगे को, बट नहीं जा पाए क्योंकि 4x4 ही अलाउड है उधर को। बट 4x4 का रेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 6 किलोमीटर के वो लगभग 6-6.5 हज़ार रुपये बोल रहे हैं और मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा है। तो कभी किस्मत रही तो दोबारा से आएंगे हम और फिर जाएंगे पूरा लेह तक। तो गाइस ये है आपका बाईपास मनाली और ये रहा ऊपर मेन मार्केट मॉल रोड की तरफ के लिए रास्ता। तो यहाँ पूछ लेते हैं सर जी, बाइक पार्किंग कहाँ आ गया? यहाँ नहीं, यहाँ कहाँ आप करते पास? हाँ जी, अच्छा तो जी इधर जगह ढूंढनी पड़ेगी पार्किंग के लिए। ये यहीं कर ले, यहाँ लगा ये थोड़ा सा माल रोड आता सामान लेने के लिए, थोड़ी देर लगा सकते हैं, सिर्फ 20 मिनट। हाँ 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो गाइस आ गए माल रोड में और यहाँ पर को जल्दी से ढूंढते हैं सिड्डू और उसके बाद खाते हैं और जाते हैं। सिड्डू 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 ये रहा गाइस, तो मिल गया सिड्डू। सिड्डू है ना भाई जी, कौन सा वाला आपके पास? वॉलनट कैसे दिया? 150 एक लगाओ। ये रहा सिड्डू, ये आटा रहता मैदा, ये आटे का रहता। ये अंदर क्या क्या रहता है इसमें? सर अंदर में रहेगा वॉलनट पीनट, चाहिए क्या लगा? बटर नहीं, घी लगा। अच्छा हेलो, इसकी चटनी भी कुछ अलग होती है ना? हाँ जी। कैसी रहती? वॉलनट पीनट का ही। अच्छा वॉलनट पीनट की चटनी। वॉलनट पीनट की चटनी और ये चाट मसाला मायो और रेड चटनी पकड़ रहा है सर। चल मेरे दोस्त तू ट्राई कर पहले जल्दी से, कैसा है देखते हैं। वॉलनट पीनट की चटनी, लहसुन की चटनी, थोड़ा मेयोनीज। टेस्ट बता एकदम ईमानदारी से, टेस्ट बता कैसा लग रहा है? इसका टेस्ट आ रहा है वन रोड पीनट का, और ऐसा टीमो में खाते हैं हम लोग सेम। अच्छा टीमो टाइप, वही तो खींचा आधे रास्ते में तो यार टीमो में स्टिपिंग करने लग रहा है। चलिए भाई ट्राई करो, हम भी ट्राई कर लेते जल्दी से। पहले कौन सा दिया तुमने? वॉलनट पीनट वाला। वैगन और चिकन वाले, चिकन वाला है ना भैया? एक चिकन वाला भी ठीक है, होगा ना आपके पास? ओके अच्छा। सिड्डू के आ रहे हैं बहुत सारे, स्ट्रिपिंग भी देख लो आप एक बार। जो ये चटनी है ये इसे और भी स्पेशल बना देते हैं। तो ये अपना चिकन वाला सिड्डू भी हो गया रेडी। और भाई जी आपका नाम क्या है? मेरा ललित। ललित भाई, ललित भाई के हाथों में है टेस्ट।
वेज वाला हमने खा लिया, अब एक बार नॉन वेज भी ट्राई करते हैं। ये चाट मसाला ओके जल्दी से ले ले एक्स्ट्रा क्या है ये आया चिकन वाला देख तो ये आया चिकन सिड्डू ये है आपका चिकन सिड्डू चल भाई इसको भी ट्राई कर और बीच में चिकन लगाऊंगा जिसमें स्टफिंग होगी स्टफिंग अच्छी खासी स्टफिंग है तो चटनी गुरु जल्दी करो शुरू मैं दे दूंगा आया मजा चलो फिर बिना देरी के इसमें स्टफिंग का पता चल रहा है पता नहीं चल रहा कितने का ये सबू मजा आ गया भाई जी और हैवी आटे का तो कोई दिक्कत नहीं है बॉडी बन जाएगा खाने के लिए खाना चिकन वाला कितने का है चिकन वाला वो 150 वाला वन ओके तो मीडिया 200 रुपये का नॉन वेज 150 रुपये में तो गाइज अब बढ़ते हैं शप्टा खाने के लिए टेसी भाई को खाना शप्टा और हम अपनी बाइक पर सामान ऐसे ही छोड़ के आ गए हैं बट द एक पुलिस वाली मैडम है तो मैडम जी ने ख्याल रखने का वादा किया है फाइनली सिड्डू भी हमने आज टेस्ट कर ही लिया मनाली आके और पतली कुल यहाँ से लगभग 24-25 किलोमीटर है और नगर जो एक जगह पड़ती है इधर वहाँ घूमने की कोई अच्छी सी एक जगह है तो देखते हैं क्या होता है वहाँ जाके और यहाँ से आधा रास्ता नदी अपने साथ बहा के ले गई है इसलिए डाइवर्जन कर दिया है एक ही रूट में ये देख सकते हो आप पूरी रोड ही चली गई है नीचे को तो जब आप मनाली आओगे तो ये वाला रास्ता है ऊपर मेन मार्केट को जाने का और ये बाईपास है जिससे हम अभी आ रहे हैं और मेरे हिसाब से जैसा हमने रूम लिया था भांग साइड को उस साइड को रूम लेना एक अच्छी चॉइस साबित होगी क्योंकि मेन मार्केट में हर चीज़ के रेट हाईफाई रहते हैं और अगर आप भांग तरफ को लोगे तो स्नोफॉल उस साइड को मनाली के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलता है तो एक अच्छी जगह हमने अपना रूम लिया भांग साइड को अच्छा डिसीजन था हमारा तो गाइस पहुंच चुके हैं हम पतलीकुल तो गाइस पहुंच गए हम नगर में और आंटी जी आ गए निर्मला की मम्मी और ये देखो सामने बहुत ही पुराना सा एक मकान और थोड़ी सी ऑफ रोड रास्ता ख़राब है पकड़ना डीसी पकड़ना अपनी लाडो तो हल्की फुल्की है बड़े प्यार से जाएगी बगीरा अपना वेट संभाले बस अपने सॉन्डी भाई भी एक्सपीरियंस राइडर है संभाल लेते हैं और न्यूट्रल ही कर देता हूँ यहाँ पर को तो मैं एक और पुराना सा मकान
तो ये रहा गाइस निर्मला का घर, जो कि लकड़ी वाला घर है और काफी ज्यादा सुंदर, बहुत कम देखने को मिलते हैं आजकल ऐसे, लेकिन इस साइड को काफ़ी है, तो बहुत ही अच्छी जगह है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर नगर कैसल में। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हम नगर के कैसल में, और ये देखिए 50 रुपये पर पर्सन की टिकट है यहाँ से, टशी वाइट टिकट ले रहे हैं। चलो दिखाते हैं आपको यहाँ की खूबसूरती। तो ये देखिए, ये दिखाता हूँ आपको, देखो बीच में लकड़ी है पूरा और पत्थर कुछ इस तरीके से। तो इस किले का निर्माण राजा सिद्धि ने 16वीं शताब्दी में बनाया था का। और ये देखो आप, ये है भेड़ की सींगे से, और बीच वाला जो है ये है याक की सींग, और हथियार पुराने जमाने के लगे पड़े हैं इसके आसपास, और अंदर होटल भी है। ऊपर की तरफ रेस्टोरेंट, और यहाँ देखिए वाह, यहाँ कुछ मूर्तियाँ लगी हुई है। तो पूरा किला लकड़ी और पत्थरों के ऊपर बना हुआ है, और दूसरी मंजिल में रेस्टोरेंट है शायद, और पतली कुल का नज़ारा आप यहाँ से कुछ ऐसा देख सकते हो। बहुत सारी मूवीज़ और एपिसोड यहाँ शूटिंग हो चुके हैं, जैसे द हीरो, रोजा, जब वी मेट, तो बहुत सारी है। ट्यूबलाइट की भी हो चुकी है इधर शूटिंग। तो अब निकलते हैं यहाँ से, और क्या है देखने का आसपास जल्दी देखते हैं। काफ़ी सुंदर ये जगह पूरा एकदम हेरिटेज, तो यह है कुछ यहाँ का नज़ारा। ये देखो कितना टेस्टी खाना आ चुका है, कौसे की थाली में चिकन और स्पेशल रायता, स्पेशल रायता, सब वीडियो बना के ले जा रहा है क्या यादा, सैलेड भी रेडी है, कोक भी तैयार है, और ये देखो सबसे प्यारी चीज कांसे की गिलास, कांसे की गिलास में पानी पीने को मिलेगा। अच्छा सर मारिए क्या? नहीं है। तो करते हैं अब हम डिनर, और मिलते हैं थोड़ी देर में।